नमस्ते दोस्तों, कुक विद श्रुतिका में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी, मखानों की रेसिपी। चार अलग मखानों की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। मखाने बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो ये ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। इसमें काफ़ी सारा फाइबर भी होता है, जो वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। शाम के वक्त कुछ और चटर पटर खाने से अच्छा है ये आप स्नैक बनाकर खाइए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ऐसे ही अनोखी रेसिपीज जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कुक विद श्रुतिका और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये नरम लगता है कुरमुरा की तरह। तो हम इसको एकदम लो फ्लेम पे पैन के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा ऐसे कड़क नहीं बन जाता, क्रिस्पी नहीं बन जाता। तो हम इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही रोस्ट करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने भी आया है। और हम अभी इसको चेक करते हैं। ये देखिए, आप सुन सकते हो क्रिस्पी आवाज आ रहा है। तो इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसको ऐसे ही रोस्ट करके एक एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो। ये दो तीन दिन के लिए ऐसे क्रिस्पी रह जाएगा, और फिर आपको जब ये बनाने होंगे तब आप उनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। अभी पहले हम मसालेदार मखाना बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून तेल। इसमें मैं ये मैगी मसाला डालूंगी। मैगी जो हम बनाते हैं उसमें जो टेस्ट मेकर होता है वो इसमें मैं डालने वाली हूँ। गैस एकदम स्लो रखना है, वरना ये मसाले जल जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा ही, मतलब आधा टीस्पून के करीब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और आधा टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें, और स्वादानुसार नमक। ये मखानों को जितना नमक लगेगा उतने हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम, और ये मखानों को इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला ये मखानों को अच्छे से लग जाए। ये देखिए, ये देखिए मसालेदार मखाने हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम रिफ्रेशिंग मिंटी फ्लेवर वाला मखाना बनाने वाले हैं, तो उसके लिए वापस हम लेंगे 1 से 2 चम्मच तेल। इसके अंदर हम ये बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, और ये पुदीना के पत्ते भी हमने ऐसे बारीक काट लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे, और ये मखानों को इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल देंगे हम, और थोड़ा नींबू निचोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें इसको। हाँ, बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मेल आ रहा है इसका। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर वाले मखाने बनाने वाले हैं, तो हम वापस लेंगे 1 चम्मच तेल। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, बहुत ही कम जीरा हमें डालना है, जस्ट स्वाद के लिए। जीरा थोड़ा सा इसमें फ्राई होने के बाद हम डालेंगे ये मखाना इसके अंदर, और हम गैस को बंद कर देंगे। और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एकदम थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डालने वाले हैं हम इसमें, और 1/2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें हनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको बाउल में निकालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा, मतलब 2-3 ड्रॉप नींबू निचोड़ देंगे, और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे।
तो ये स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर वाला मखाना भी हमारा तैयार हो चुका है। तो मखाना भेल के लिए हमने एक कप मखाने लिए है, उसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, ये सफेद प्याज लिया है, ये सफेद प्याज बहुत हेल्दी होता है, और 1/4 कप रोस्टेड पीनट्स मैंने लिए है, धनिया स्वाद अनुसार, नमक और नींबू। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मखाना भेल तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए 4 फ्लेवर वाले मखाना हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, जब भी आपको शाम को भूख लगेगी आप इसको बनाकर खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार लगता है और साथ में बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।